नमस्कार दोस्तों, मोटोबफ के एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं हमेशा की तरह आप सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई बलिनो के जेटा मॉडल के बारे में कि आपको जेटा में क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है, इसका क्या प्राइस रहने वाला है, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि आपको अल्फा जो कि इसका टॉप एंड वेरियंट उसमें देखने के लिए मिलते हैं पर इसमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं, और कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं पर जो इसका हमारा बेस वेरियंट है डेल्टा उसमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं, और जो हमारी पुरानी बलिनो का जेटा मॉडल था उसके मुकाबले इस नई बलिनो के जेटा मॉडल में आपको कौन कौन से नए इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि इस वेरिएंट को वैल्यू फॉर मनी बना देते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के आज की वीडियो करते हैं शुभारंभ। मैं हूं आपका होस्ट दोस्तों, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटोमफ। दोस्तों, यहां पे अब आपको जो जेटा वेरिएंट है इसके अंदर भी आपको मारुति कनेक्ट का फीचर देखने के लिए मिल जाता है। तो इस फीचर की मदद से आप अपनी गाड़ी को जो है ट्रैक कर सकते हैं, उसकी लोकेशन भी जान सकते हैं, और उसी के साथ आपकी ड्राइविंग व्यवहार कैसा रहा है वो भी आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। उसी के साथ इस एप्लीकेशन के द्वारा आपको बहुत सारी अपनी गाड़ी से रिलेटेड नोटिफिकेशन भी मिलती रहती है, जैसे कि इसमें आपको ECL नोटिफिकेशन मिलती है, ब्रेकडाउन नोटिफिकेशन मिल जाती है, लाइव लोकेशन आप शेयर कर सकते हैं, इसमें आपको जो है थीव अलार्म भी देखने के लिए मिल जाता है, और ऐसे बहुत ढेरों सारे इसमें आपको फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं जिसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब इस गाड़ी में मिलने वाले मीन्स ये जो हमारा जेटा वेरिएंट है इसमें मिलने वाले अगर हम कलर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमें जो है नेक्सा ब्लू, स्प्लेंडर सिल्वर, प्लैटिक व्हाइट, ग्रैंडुअल ग्रे, ओपुलेंट रेड एंड इसमें आपको जो है लास्ट लक्स बेज देखने के लिए मिल जाता है। तो टोटल यहाँ पे आपको जो है 6 डिफरेंट कलर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि इंटीरियर में आपका लुक कैसा रहने वाला है और कौन कौन से फीचर्स में प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात कंपनी ने ये की है कि इस वेरिएंट में भी आपको टॉप एंड वेरिएंट वाला इंफॉर्मेटिव सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। मीन्स यहाँ पे भी आपको जो है 9 इंच की टच स्क्रीन देखने के लिए मिलती है जिसमें आपको जो है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ नेविगेशन देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ इसमें आपको जो है कैमरा भी देखने के लिए मिलता है विद रियर पार्किंग सेंसर्स। इवन यहाँ पे हमें जो है 4 स्पीकर का ऑडियो सेटअप भी देखने के लिए मिल जाता है, पर जो हमारा आर्किमिडीज का ऑडियो सेटअप है वो सिर्फ हमें टॉप एंड वेरिएंट में देखने के लिए मिलता है, वो यहाँ पे जेटा वेरिएंट में देखने के लिए नहीं मिलता है। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट जैसे ही यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलने वाला है जिसमें आपको जो है एनालॉग एंड डिजिटल का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता है। मीन्स यहाँ पे आपको जो है कलरफुल TFT स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है क्योंकि डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऑफ कार आपको जो प्रोवाइड करती है। उसी के साथ यहाँ पे जो हमारा टैकोमीटर और स्पीडोमीटर है वो आपको एनालॉग में देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सेम एज इट इज है जो कि आपको अल्फा में जो टॉप वेरिएंट है उसमें देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ यहाँ पे आपको जो ऑटोमेटिक AC देखने के लिए मिलने वाला है, जैसे कि मैं पहली वीडियोज में बता चुका हूँ यहाँ पे जो आपका AC वेंट का डिजाइन है वो बिल्कुल ही चेंज है जो कि आपको इंफॉर्मेटिव सिस्टम के नीचे वहाँ पे आपको 2 वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। उसी के साथ जो दोनों हमारी सीट्स हैं, ड्राइवर सीट एंड को ड्राइवर सीट है, ये दोनों के जो हमारे हेडरेस्ट हैं आपको एडजस्टमेंट के साथ देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी प्रोवाइड किया है जो कि आपकी स्लाइडिंग फीचर के साथ आता है। यहाँ पे रियर में आपको AC वेंट्स भी देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। वहीं पे यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट भी देखने के लिए मिलने वाले रियर में, और जो रियर की सीट्स हैं वहाँ पे आपको आर्मरेस्ट और जो उसके हेडरेस्ट हैं वो भी एडजस्टमेंट के साथ आपको देखने के लिए मिलते हैं, और 60-40 स्प्लिट के साथ ये सीट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो कंपनी ने टॉप एंड वेरिएंट से जो हमारा नीचे वाला वेरिएंट है उसमें भी कोई कमी नहीं रखी है, ढेर सारे फीचर्स यहाँ पे कंपनी ने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। एंड यहाँ पे आपको डेल्टा जो वेरिएंट है उसी से आपको पार्सल ट्रे मिलनी शुरू हो जाती है, तो इस वेरिएंट में भी जो जेटा है उसमें भी आपको पार्सल ट्रे देखने के लिए मिलती है। बाकी जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको फ्लैट बटन टाइप का ही देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपको ऑडियो एंड MID से रिलेटेड कंट्रोल्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड जो हमारे डैशबोर्ड पे आपको 3 डिफरेंट कलर्स की लेयर देखने के लिए मिल जाती है, टॉप एंड वेरिएंट में वैसा ही सेम डैशबोर्ड आपको यहाँ जेटा में भी देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे अगर हम इसके डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं जो कि हमारी बिल्कुल ही नई जनरेशन है, तो इसके ऊपर बिल्कुल ही डिटेल के अंदर मैं अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात कर चुका हूं जिसका लिंक आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर भी फॉर द रेफरेंस यहां पे जो लेंथ है और जो हाइट है कार की वो हमारी छोटी कर दी गई है, कम कर दी गई है पहली जो हमारी बलिनो आती थी उसके मुकाबले। वहीं पे अगर हम टर्निंग रेडियस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 4.8 मीटर का इसका टर्निंग रेडियस देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ में आपको जो है सेम एज इट 37 लीटर का ही फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है जो कि आपको पुरानी बलिनो में भी देखने के लिए मिलता था। अब दोस्तों हमने यहाँ पे फ्यूल के बारे में बात की है तो अब हम गाड़ी के दिल के बारे में बात कर लेते हैं। दिल से मेरा मतलब है गाड़ी के इंजन के बारे में हम बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पे बेसिकली आपको ZM में दो ट्रिम्स देखने के लिए मिल जाती है, हमारा जो है ZM एंड ZM ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब है कि ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपको 5 स्पीड का मैनुअल एंड AMT देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है न्यू के सीरीज का ड्यूल Z ड्यूल VVT इंजन देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि हमारा 1.2 लीटर का रहने वाला है, जो कि हमारे आइडल स्टार्ट स्टॉप के साथ भी आता है दोस्तों, जिसके एग्जिट आउटपुट्स अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वहीं पे इसके अगर हम माइलेज के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो हमारी नई बलिनो है और जो हमारी ओल्ड बलिनो थी, दोनों के जो हमारे माइलेज फिगर्स हैं वो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वहीं पे दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट में जो है डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं, रियर में आपको जो है ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। वहीं पे अगर हम कर्व वेग के बारे में बात करते हैं दोस्तों, 920 से लेकर 950 kg के जो हमारा वेट है, ये आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए देखने के लिए मिलने वाला है। और जो हमारा ऑटोमेटिक है उसमें आपको जो है 930 से लेकर 960 kg तक का कर्व वेट देखने के लिए मिलने वाला है। वहीं पे इसमें एक्सटीरियर में जो आपको चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले हैं अल्फा के मुकाबले, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, जो हमारे यूवी कट ग्लासेस हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलने वाले, सिर्फ आपको अल्फा वेरिएंट में देखने के लिए मिलेंगे, ZM में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जो हमारे सिग्नेचर 3 एलिमेंट वाले DRL है वो आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको DRL देखने के लिए मिलेगा, वो हमारा सिंपल टाइप का ही रहने वाला है। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे हमें जो है LED बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि हमारे फॉलो मी होम फंक्शनलिटी के साथ आते हैं। वहीं पे जो हमारे फॉग लैंप्स हैं वो यहाँ पे मिसिंग रहने वाले हैं, फॉग लैंप्स आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और फॉग लैंप्स के ऊपर आपको क्रोम की फिनिश देखने के लिए मिलती है, वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। बट दोस्तों यहाँ पे आप जो है मारुति की ही एक्सेसरीज के अंडर ये फॉग लैंप्स जो है इंस्टॉल करवा सकते हैं। वहीं पे दोस्तों जो हमारी ग्रिल है वो सेम एज इट इज रहने वाली है, जो कि आपको अल्फा में देखने के लिए मिल जाती है। ग्रिल में ऑल ओवर द ट्रिम्स कोई भी चेंज नहीं किया जाने वाला है। वहीं पे साइड प्रोफाइल में दोस्तों बॉडी कलर के ORVM देखने के लिए मिल जाते हैं, ORVM के ऊपर ही हमें जो है टर्न इंडिकेटर भी देखने के लिए मिलते हैं। उसी के बाद जो हमारे डोर हैंडल्स हैं दोस्तों वो क्रोम फिनिश के साथ आते हैं, और जो हमारे ड्राइवर और जो को ड्राइवर डोर हैंडल्स रहने वाले हैं उनके ऊपर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो मारुति जो है हमारे फीचर डिस्ट्रीब्यूशन पे काफी अच्छा काम कर रही है, आपको टॉप मॉडल के अलावा जो दूसरे वेरियंट्स हैं उनमें भी अच्छे खासे यहाँ पे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हम व्हील्स के बारे में बात करते हैं तो 16 इंच के यहाँ पे आपको व्हील्स देखने के लिए मिलेगी, जो हमारे एलॉय व्हील रहेंगे। बट जो हमारे टॉप एंड वेरियंट है उसमें आपको जो है डायमंड कलर ड्यूल कलर के एलोवील देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे आपको जो है सिंगल कलर के एलोवील देखने के लिए मिलेंगे, उनका डिजाइन भी थोड़ा सा यहाँ पे चेंज रहेगा। रियर में आपको कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलता, जैसे आपको अल्फा में देखने के लिए मिलेगा वैसे ही आपको जो है ZM में भी देखने के लिए मिलेगा। बट अब बात करते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, कि यहाँ पे सेफ्टी के मामले में अल्फा के मुकाबले ZM को कौन कौन से फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे जो एयरबैग्स हैं आपको सिर्फ दो ही देखने के लिए मिलते हैं, जो आपका टॉप एंड वेरिएंट है अल्फा, वहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स देखने के लिए मिलते हैं, पर करंटली ZM के अंदर आपको सिर्फ 2 एयरबैग्स ही देखने के लिए मिलते हैं। ABS विद EVD देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है रियर पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं विद रियर पार्किंग कैमरा, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाता है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको देखने के लिए मिल जाता है, ESP विद हील होल्ड असिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। बट ये फीचर सिर्फ आपको ऑटोमेटिक में ही देखने के लिए मिलेगा, जो कि हमारा ZM ऑप्शनल है। यहाँ पे आपको जो है सीट बेल्ट प्री टेंशनल भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हमारे लोड लिमिटर के साथ आता है। ISOFIX चाइल्ड माउंट्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं, बाकी लिस्ट अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे जो हमारा मेन डिफरेंस है अल्फा एंड ZM में दोस्तों ये है कि जो हमारा अल्फा वेरिएंट है उसके अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा देखने के लिए मिलता है, हेडसअप डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जो हमारा स्टेयरिंग व्हील है वो लेदर रैप के साथ आता है, जो हमारा गियर नॉब है उस पर आपको लेदर का यूज देखने के लिए मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल आपका अल्फा में देखने के लिए मिलता है, उसी के साथ जो हमारा हार्मन ऑडियो सेटअप है वो आपको अल्फा वेरिएंट में देखने के लिए मिलता है, जो सिग्नेचर हमारे DRLs हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं अल्फा के अंदर ही, जो LED फॉग लैंप्स है वो भी आपको अल्फा के अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं, 6 एयरबैग्स का यहाँ पे आपको मोटा मोटा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो ये कुल हमारे फीचर्स हैं जो कि आपको अल्फा में मिलते हैं पर ZM में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ZM में क्या देखने के लिए मिलता है मैं आपको आगे बता चुका हूं। तो दोस्तों ये थे हमारे फीचर्स जो कि आपको ZM में देखने के लिए मिलते हैं, एंड अल्फा और ZM में क्या डिफरेंस है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। इन्हीं फीचर्स की वजह से जो हमारा ZM है वो हमारा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं था आपका होस्ट दोस्त शानदार, और आप देखते हैं आपका अपना YouTube चैनल मोटोमॉफ।